कमी को पूरा करने का संकल्प लिया है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और मैं समझता हूं जब मैं उनको शुभकामना दे रहा हूं तो मैं शुभकामना दे रहा हूं पूरे रामपुर खास और प्रतापगढ़ के लोगों को, उन माँ बाप को जिनके बच्चों को एक उचित मार्गदर्शन मिल सकेगा कोचिंग के माध्यम से, वो सफल हो सकेंगे। हमारे बीच में मेजर जनरल डीएन सिंह साहब भी हैं, मैं भी उनको सुन रहा था जिस तरह वो काउंसलिंग कर रहे थे। अगर कोई समझदार बच्चा होता उसे ग्रहण करता तो शायद उसे फायदा मिलता। चिंतित क्यों हूँ मैं बताऊंगा आपको, इसलिए हूँ कि मुद्दा मान लेते हैं। मेरे लिए नोटबंदी एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जिसे बाद में 14 लाख लोगों ने सुना। एजुकेशनल हब की बात आई कि एजुकेशनल हब बन रहा है लालगढ़, इसके कितने वर्षों का लगभग जो है गठन रहा है। मैं सोचती हूँ, मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान जिला है। हब बनाया यहाँ, इस यहाँ बैठे यहाँ पे 2 डिग्री कॉलेजेस हैं, लगभग 5 इंटर कॉलेज बच्चों के विद्यालय हैं। ये पूरे रामपुर खास ही नहीं, अगल बगल के भी विधानसभा के लोग लालगढ़ में आकर के अपने बच्चों की शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे बच्चों को दिवस आगे इसमें अंदर अब हर वर्ष मैं और सांसद मानी प्रमोद तिवारी जी और राजकुमार योजना जी हमेशा आते रहे। मैं इस विद्यालय को जिस तरह का शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का काम किए हैं, टेक्निकल एजुकेशन डिग्री कॉलेज बच्चों की शिक्षा को लेकर के, मैं इस विद्यालय को प्रबंधक को यहाँ के सभी स्टाफ सबको